नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को आप नहीं देख पाते तो दोस्तों कल सुबह से आप बहुत ही ज़्यादा पछताते। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा ग्रहों की चाल में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और जब ग्रहों की शुभ तिथि बनती है तो दोस्तों भयंकर लाभ के मौके खुलने लगते हैं और जहाँ ग्रहों की अशुभ परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में उन्हें झकझोर देता है, न चाहकर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को इसकी विपरीत बता दें कि यश में ग्रहों की विपरीत स्थिति नहीं बल्कि दोस्तों ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है, जो कि दोस्तों कल सुबह से आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल पर लागू होने वाले हैं। ये दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। ये दोस्तों और इन 3 दिनों के अंदर आप सभी को बता दें कि जीवन की 3 सीख को आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों इन 3 दिनों में आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आप हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे। जी दोस्तों, हम यह बात दावे के साथ इसलिए कहते हैं कि दोस्तों इन बातों को अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आप जीवन काल में ऐसे ही सफल हो जाएंगे जैसे आप सोचते थे। जी दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आप सभी से तह दिल से निवेदन है कि दोस्तों इन 3 सीख को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों भोले भंडारी के सभी सच्चे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अभी हृदय भाव से जय भोलेनाथ लिख दें, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी और 3 दिनों के अंदर आप सभी को जबरदस्त लाभ होगा, इस बात की गारंटी है। बस आपको श्रद्धा विश्वास रखनी है और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपकी जीवन की सबसे बड़ी 3 सीख के बारे में। जी दोस्तों, और ये 3 सीख आने वाले 3 दिनों में आपको याद रखना है, तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने। दोस्तों, एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सहयोग बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटे को हर विधा में बेहतर और परंपरागत बनाया। राजा चाहता था कि उनके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर को संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। लेकिन दोस्तों राजा ने एक शर्त भी रखी थी कि उनके 3 बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद 3 आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। 3 बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला बेटा और सबसे आखिरी में छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी पूछा कि बताओ वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न कोई पत्ती न कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मंझले बेटे ने कहा, नहीं तो वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देख कर आ गए। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। 3 बेटों ने अपनी अपनी बात अपने पिता के सामने रख कर अड़ गए। तब उसके पिता ने कहा, जो तुमने देखा उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम 3 नाशपाती का ही वृक्ष देख कर आए हो, जो तुमने बताया है वह उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर 3 पुत्र एक एक का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम्हें 3 को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहले किसी भी चीज को एक बार देखा जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है,
किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। नाशपति के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी सूख जाता है तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में दुख और सुख, सफलता असफलता का दौर आता रहता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। और तीसरी, विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरों के पक्ष के बारे में पता न हो। इस व्यक्ति का ज्ञान वर्धन होता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन तीन बातों को आपने जिन काल में हमेशा याद रखें। जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान की बातें आपको पसंद आई है। पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आने वाले तीन दिनों के अंदर जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनने वाली है, इनके अनुसार आपके घर के माहौल में, पारियोजन में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में तरक्की के नए रास्ते खोलने में भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों, अचानक ही किसी फेरी मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी कभी शक और क्रोध की वजह से बेवजह किसी के साथ मतभेद होने की आशंका भी लग रही है। दोस्तों यशमय अपनी जो है मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आ सकती है। इसे दोस्तों विद्यार्थीगण पढ़ाई में अपना ध्यान को केंद्रित करें, अतः यश में धैर्य बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों, आपके अंदर बढ़ता अकेलापन, अभी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप गलतियां कर सकते हैं जिसका असर आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। दोस्तों, बड़े निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में अपने कार्यों से संबंधित जो है नीतियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक सुधार लाने की प्रयास करें। दोस्तों, आपको अवश्य सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और आसानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। आप जो है यश में अधिकतर काम घर में रहकर ही पूरा करें क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपका सामाजिक कार्य में विशेष सहयोग भी रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या फिर दिए गए दान पुण्य की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, किसी सामाजिक संस्था के साथ सराहनीय काम करने से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। दोस्तों, स्त्री वर्ग के लिए यश में दिन जो है खास तौर पर लाभदायक रहेगा। दोस्तों यश में भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों, कभी कभी गुस्सा हावी होने की वजह से किसी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होंगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने की वजह से तनाव रहेगा, परंतु चिंता ना करें, वस्तु आपको घर में ही मिलेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, यह समय काम संबंधित यात्रा में सफलता मिलेगी। काफी दिन के बाद परिवार के लोगों से मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसके द्वारा आपको खुशियों की प्राप्ति भी होगी। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे। यश में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भविष्य में बहुत अधिक लाभदायक साबित होगा। सिर्फ यह समय योजनाओं को उचित तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत होगी। दोस्तों, यह समय घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी भी योजनाएं बनेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपने स्वभाव में समय के अनुसार परिवर्तन लाना आपके लिए आवश्यक होगा। कभी कभी आपकी दिखावे की प्रवृत्ति भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, यश में इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए।